चीन कभी भारत के सामने हाथ फैलाएगा ये कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन देखिए ना वक्त क्या से क्या करवा देता है। समुद्री इलाके में दादागिरी करने वाले चीन को समुद्र में ही भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ा है। अब आपको खबर विस्तार से बता देते हैं। भारतीय नौसेना ने चीनी नौसेना के एक अनुरोध का जवाब दिया और हिंद महासागर में डूबे एक चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज की चल रही खोज में भारत ने बड़े दिल के साथ सहायता की है। जहाज में कथित तौर पर 39 लोग सवार थे, जिसमें 17 चीनी चालक दल के सदस्य थे, 17 इंडोनेशिया के और 5 फिलीपीन के सदस्य शामिल थे। हिंद महासागर के मध्य क्षेत्र में डूबे जहाज को बचाने के लिए चीन ने भारत सहित कई देशों से मदद मांगी। एक बयान में भारतीय नौसेना ने कहा कि उसने डूबते चीनी मछली पकड़ने वाले जहाज को बचाने के लिए दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी एयर एमआर संपत्ति तैनात की है। P-8I विमान ने प्रतिकूल मौसम के बावजूद भी कई और व्यापक खोज किए और संभावित रूप से डूबे हुए जहाज से संबंधित कई चीजों का पता भी लगाया। तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में SAR उपकरण को PLAN जहाजों के अनुरोध पर भारतीय विमान द्वारा घटना स्थल पर तैनात किया गया था। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि लापता चालक दल के सदस्यों की तलाश में 2 शव मिले। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक लू पेंग युआन U-028 के डूबने के बाद चल रहे तलाशी अभियान में 2 पीड़ितों के अवशेष मिले हैं। मिले हुए दोनों शव की नागरिकता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जिस जगह पर हादसा हुआ उसकी जानकारी भी भारतीय नौसेना द्वारा दी गई है। इससे जुड़ी एक तस्वीर साझा करते हुए बताया गया कि यह हादसा डिएगो गार्सिया के काफी नजदीक हुआ। इन्हें मछुआरा बताया तो जा रहा है, लेकिन क्या डिएगो गार्सिया के इतने नजदीक जाकर मछली पकड़ना संभव है? क्योंकि जहां चीन का फिशिंग वेसल लू पेंग युआन U-028 डूबा, वहां से डिएगो गार्सिया की दूरी 287 नॉटिकल माइल थी। वहीं बात की जाए हादसे वाली जगह से भारत की दूरी की, तो वो 900 नॉटिकल माइल की दूरी है, जहां से भारत ने चीन के लिए मदद रवाना किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।